हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दोस्तों अच्छे होंगे। आज के वीडियो में अपडेट करने वाले हैं वीवो Y22 को। अगर आपका स्मार्टफोन लैग कर रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये अपडेट आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। और एक और चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं बार बार एक ही कि अपडेट करने के बाद कोई डाटा तो रिमूव नहीं होगा। दोस्तों ये जस्ट अपडेट है जो कि स्मार्टफोन की सिस्टम की है और इससे कोई डाटा रिमूव नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको अगर अपडेट करना है तो दोस्तों आपको सिंपली इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास वाईफाई है तो वाईफाई से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास सिम डाटा है तो सिम डाटा से भी कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों डाटा यूज़ करते हैं तो आपके पास जो डाटा है वो 1 से 1.5 GB मस्ट होना चाहिए। मिनिमम दोस्तों आपको जो भी साइज मिलेगा अपडेट के लिए उससे 2-3 गुना ज़्यादा ही होना चाहिए। ओके, वाईफाई मैंने कनेक्ट कर लिया है। मैं आ जाता हूँ सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर सिस्टम अपडेट का ऑप्शन है और नीचे अपडेट अवेलेबल लिखा हुआ है और सामने हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर 1 मीन्स के दोस्तों नोटिफिकेशन बना हुआ है और इस पर 1 लिखा हुआ है। मैं इस पर टैप कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमें अपडेट चेक करके बताएगा एंड डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर से साइज है 346 MB। ये साइज आपके पास डिफरेंट भी आ सकता है, 1 GB आ सकता है, 500 MB आ सकता है, 100 MB आ सकता है, इवन 2 GB तक की भी आपको अपडेट आ सकती है। तो साइज कोई भी आ जाएगा। अब मैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। पहले ये अपडेट होगी डाउनलोड, देन होगी इंस्टॉल और इस प्रोसेस में आपको जो टाइम लग सकता है इजीली दोस्तों 1.5 से 2 घंटे आपको अपडेट में लग सकते हैं। अब दोस्तों डाउनलोडिंग हो रही है तो इसके बाद होगी इंस्टॉलिंग। हम वेट करते हैं, इसको कम्प्लीट डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा अपडेट कैसे करना है। ओके, तो आफ्टर 30 मिनट आप चेक कर सकते हैं 99% डाउनलोडिंग हो चुकी है, 1% बाकी है और 100% कंप्लीट होने के बाद हमारा जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई हो रहा है। अगर आपने कोई लॉग वगैरह सेट किया होगा तो आपको दोस्तों उसका एक्सेस मांगा जाएगा और इसके बाद स्मार्टफोन दोस्तों रीस्टार्ट होगा और जब पावर ऑन हो जाएगा स्टार्ट पोजीशन में आएगा, अपडेट कम्प्लीट हो जाएगी। वेट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा स्मार्टफोन है वो स्टार्ट पोजीशन में आ चुका है और चेक करते हैं इसमें चेंजिंग क्या हुई है। वॉलपेपर वगैरह सेम है अभी तक, आइकन वगैरह सेम है, साइज सेम है, इसका स्टाइल भी सेम है, तो यहाँ पर कुछ दोस्तों डिफरेंस तो हमें देखने को नहीं मिल रहा। मज़ीद हम सेटिंग में आते हैं और दोबारा से हम दोस्तों जाएंगे सिस्टम अपडेट में। मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ सिस्टम अपडेट में, तो यहाँ पर आपको दोबारा से वो चेक करके बताएगा आपका स्मार्टफोन और यहाँ पर लिखा है द सिस्टम इज अप टू डेट, मींस कि दोस्तों हमें स्टेबल अपडेट देखने को मिली है। अगर आपके स्मार्टफोन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपको लग रहा है हीट हो रहा है या बग आ रहे हैं या लैग कर रहा है तो ये अपडेट आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।